एडवेंचरर बेयर ग्रिल्स और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास एडवेंचर मैन वर्सेस वाइल्ड देखने को मिला। विश्व दौरान के मोदी अलग ही अंदाज में नजर आए। पीएम मोदी ने राफ्ट का सहारा लेकर नदी पार की, ग्रिल्स राफ्ट को खींच रहे थे और पीएम मोदी राफ्ट में बैठे थे। हिमालय के ठंडे पानी की वजह से ग्रिल्स की हालत खराब हो गई। उन्होंने ये बात पीएम के साथ भी साझा की। मैन वर्सेस वाइल्ड शो के स्पेशल एपिसोड में प्रधानमंत्री ने प्रकृति और अपने जीवन से जुड़े कई पहलुओं पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि उनका बचपन बेहद गरीबी में गुजरा था। बचपन में नहाने के लिए साबुन भी नहीं होते थे। सोनभद्र जिले के उमा गांव में हुई गोलीकांड के बाद सबसे पहले घटनास्थल की ओर कूच करने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी एक बार फिर से सोनभद्र पहुंची, जहां उन्होंने गोलीकांड के पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान प्रियंका ने उन्हें उनकी जमीन वापस दिलाने की दिशा में उठाए गए कदम की जानकारी दी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के मिजाज इन दिनों बदले बदले नजर आ रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद केजरीवाल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के साथ बिना झगड़े के मिलजुल कर काम करने को तैयार है। इतना ही नहीं, हाल के कई मौकों पर सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार का समर्थन और धन्यवाद भी किया। सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में फिर सुनवाई है। इससे पहले नियमित मामलों की सुनवाई के लिए बनी परंपरा से हटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भी राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद की सुनवाई की थी। सुनवाई के दौरान राम के वंशज कौन है, इस पर भी बहस हुई। तमिलनाडु के 4 मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक रामेश्वरम में मछुआरे एक नाव से इंद्रावती द्वीप के पास घूम रहे थे। तभी श्रीलंकाई नौसेना के जवानों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के नागपुर से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई। इस फ्लाइट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी सवार थे। सभी यात्री सुरक्षित रिपोर्ट हो गए हैं। दरअसल इंडिगो की फ्लाइट 6636 आज सुबह नागपुर से दिल्ली आने के लिए रनवे पर उतरी। इसी दौरान विमान में तकनीकी खराबी आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी को लेकर केंद्र सरकार की मांग को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनआरसी डाटा में आधार की तरह गोपनीयता बनाई रखी जाएगी और 31 अगस्त को फाइनल एनआरसी प्रकाशित होगी। पहले उत्तर भारत में बाढ़ ने कहर मचाया, दक्षिण में उसका उत्पाद लोगों के सिर मौत बनकर नाच रहा है। लेकिन बाढ़ और सैलाब के बीच में आए यमदूतों से मुकाबला कर रहे जलदूत यानी सेना, नौसेना और एनडीआरएफ के जवान जो अपनी जान पर खेलकर लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं। केरल से कर्नाटक में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। कर्नाटक की बाढ़ में 48 लोगों की जान चली गई, जबकि केरल में 87 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने मंगलवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और हालात का जायजा लिया।